श्रीनाथ जी एक दिन भोर में अपने प्यारे कुंभना के साथ गांव के चौपाल पर बैठे थे। इतना अद्भुत दृश्य है, समस्त जगत का बाप एक नन्हे बालक की भांति अपने प्रेमभक्त कुंभदास की गोदी में बैठ क्रीड़ा कर रहा है। तभी निकट से ब्रिज की एक भोली ग्वालन निकली। श्रीनाथ जी ने गुजरी को आवाज दी, इधर आ। तो गुजरी ने कहा, बाबा आपको प्यास लगी है क्या? तो श्रीनाथ जी ने कहा, मुझे नहीं, मेरे कुंभना को लगी है। श्रीनाथ जी कुंभना दास को प्यार से कुंभना कहते। कुंभना दास जी कह रहे हैं, श्रीनाथ जी मुझे प्यास नहीं लगी है। तो श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, इसको छाछ पिला। जैसे ही गुजरी ने कुंभना दास जी को छाछ पिलाई, पीछे से श्रीनाथ जी ने उसकी पोटली में से एक रोटी निकाली और कुंभना दास जी ने देख लिया। श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, अब तू जा। तो भोली ग्वालन बाबा को छाछ पिलाकर अपने कार्य को चली गई। गुजरी के जाते ही कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी से कहा, श्री जी आपकी ये चोरी की आदत गई नहीं। तो श्रीनाथ जी ने आधी रोटी कुंभन्ना को दी और आधी रोटी आपने ली। जैसे ही कुंभन्ना दास जी ने ली तो श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कुंभन्ना तू चख तो सही। तो कुंभन्ना दास जी ने एक नीवा ला लिया और कहने लगे, बाबा ये कैसा स्वाद है। तो श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि ये गुजरी जब रोटी बनाती तो मेरा नाम ले लेकर बेलती है, तो इसमें मेरे नाम की मिठास भरी है। बाबा अब तू ही बतला, इस प्रेम भरी रोटी का आरोग्य बगैर मैं कैसे रह सकूं हूँ। ये भोली गुजरी लज्जावश श्री मंदिर में मुझे ये सुखी रोटी पवाने तो कभी आएगी नहीं, इसीलिए बाबा मैंने खुद ही चुरा ली। जय श्री कृष्ण।